बच्चों के बारे में और कर्म के बारे में क्या जानना चाहती हो? क्या जानना चाहती हूँ कि इतना बच्चे क्यों कष्ट उठा रहे हैं माँ? बच्चे कष्ट नहीं उठा रहे, बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं। और लोग कहते हैं ना कि हर चीज, दुनिया की हर बात ऊपर वाले की इच्छा पर होती है। पत्ता भी नहीं हिलता है, हवा भी नहीं चलती है, पेड़ भी नहीं हिलता है, तूफान भी नहीं आता है, धरती भी नहीं हिलती है, हर कुछ ऊपर वाले की इच्छा पर होती है। यही कहते हैं ना, इंसान जिसको तुम लोग मनुष्य कहते हो, आदमी कहते हो, औरत कहते हो, सबको चाहिए सुख सुविधा, अपना ऐशो आराम चाहिए। ऐशो आराम के लिए आदमी कुछ भी कर देगा, किसी के साथ गलत कर देगा, किसी के साथ छल करेगा, प्रकृति का नाश करेगा, कुछ भी कर देगा। उसको तो ऐश चाहिए, आराम चाहिए। और जब कुछ विनाश हो जाएगा तो कहेगा ईश्वर ने किया है, भगवान ने किया है। अब कहोगे कि जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, यानी कि अगर इंसान ने कुछ गलत किया तो वो भी भगवान की इच्छा थी, भगवान की इच्छा नहीं थी, इंसान ने गलत किया। कहते हैं ना, पता भी नहीं हिलता, हर काम भगवान की इच्छा से होता है, यानी कि इंसान के मन में जो बात आई, जो इच्छा आई, वो भी भगवान की इच्छा से आती है। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको स्वच्छंद छोड़ रखा है, हमें तो अपना संसार चलाना है। जब एक माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं तो अपने बच्चों को सही रास्ता बताते हैं, और रास्ता जब बताते हैं तो उस समय उनको ये बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और करना ना करना वो माता पिता के हाथ में नहीं होता, करते बच्चे स्वयं हैं। हमने तो सृष्टि को रचाया, बसाया, मनुष्यों को धरती पर लाया, हमने सब कुछ किया, सब कुछ इस धरती पर आया, हमने एक चीज, मात्र एक चीज हमने छोड़ी है मनुष्यों के हाथ में, उनकी इच्छा, उनके हृदय की इच्छा। यदि हम उसे भी अपने वश में कर लेते तो संसार क्या चलाते? जब मनुष्यों की इच्छा भी हमारे वश में होती, हमारे अधीन होती, तब तो हम जैसा चाहते वैसा होता, तब फिर इस सृष्टि को रचने का मतलब ही क्या था? ये सृष्टि रची, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, परंतु इच्छा को हमने अपने नियंत्रण में नहीं रखा, बिल्कुल नहीं। हमने मनुष्यों की इच्छा को मनुष्यों पर छोड़ दिया, वहीं से लोभ उत्पन्न हुआ, लालच उत्पन्न हुआ, और एक दूसरे के साथ छल करने की इच्छा जागृत हुई। यह भी हम लोगों ने नहीं बनाया, ये सब कुछ मनुष्यों के अंदर स्वयं उत्पन्न हुआ, लालसा, लोभ, लालच, अधिक प्राप्त करना, कर्म कम करना और प्राप्त अधिक करना, और इसी के कारण आज ये परिस्थिति आ गई। लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे को काट रहा है, गलत कर रहा है, क्यों कर रहा है? हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हे माँ, हे गॉड, जो भी है, विधर्मी भी कहते हैं, धर्मी भी कहते हैं, सब कहते हैं कि इसके लिए दोषी तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला दोषी नहीं है, दोषी हो तुम लोग। हमने तो तुम्हारी लालसा, तुम्हारी इच्छा को तुम्हारे अधीन छोड़ दिया, कुछ तो रहे तुम्हारे अधीन, तुम्हारी सांसें,
गिन के दी हुई सांसें हैं वो भी हमारे अधीन हैं, परंतु तुम्हारी इच्छाओं को हमने तुम्हारे अधीन छोड़ दिया। कुछ तो तुम्हारे पास हो और तुमने अपनी इच्छाओं को इतना जागृत कर दिया, इतना विकृत कर दिया, नष्ट कर दिया। हमने सबके लिए, जिस प्रकार माता पिता अपने सभी बच्चों के लिए बराबर तरीके से सब कुछ रखते हैं, हमने भी सबके लिए सब कुछ बराबर रखा था। तुम अपने लिए जो प्राप्त था, तुम्हारे लिए जो प्राप्त था, वो तुमने नहीं रखा। तुम्हारी लालसा तो और तीव्र होती गई और विकृत होती गई। जो उसके पास है वो भी मेरे पास आ जाए, जो उसके पास है वो भी मेरे पास आ जाए, जो उसके पास है वो भी मेरे पास आ जाए। क्या है ये, क्या है ये? और तुम लोग मुझे कहते हो कुछ भी अनुचित करते हो स्वयं, और मुझे कहते हो अभी भी संभल जाओ, सही मार्ग पर आ जाओ, वरना ये सृष्टि तुमसे अपना बदला अवश्य लेगी। जिसके साथ तुम गलत कर रहे हो, अनुचित कर रहे हो, वह तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह संतुष्ट है। परंतु तुम्हारा क्या होगा?